तो अभी दोस्तों मैं हूँ देहरादून के सड़कों पे और अभी मेरे को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखी भाई रोड पे, और अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया लग सके और आप अवेयर हो सको, आपको कुछ नई जानकारी मिल सके, और साथ ही साथ में जो भाई गाड़ियाँ तेज चलाते ना उनको भी संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ। चलो बैक कैमरा ओपन करता हूँ। अभी मैंने अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क कर लिया है और अभी मुझे रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, बट अभी संभल कर करना पड़ेगा क्योंकि ना गाड़ियाँ बहुत तेजी से आ रही है। तो अभी मैं ना गाइस थोड़ा वेट कर लेता हूँ, गाड़ियों का देख लेता हूँ भैया, कहीं कोई मुझे ठोक ठाक के निकल ना जाए। और अभी हम आ चुके हैं बीच रोड में, मैं फंस चुका हूँ, और चलो ये मैं आ चुका हूँ साइड। और अभी मैं आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला था वो है गाइस ये, अभी आप सामने दिख पा रहे हैं ना, ये लगा पड़ा यहाँ पे योर स्पीड, यानी कि स्पीड चेक करने की मशीन है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर हो क्या रहा ना, जो भी गाड़ियाँ आ रही है, अब जैसे ये अभी गाड़ी यहाँ से गई गुजरी है, इसने दिखा दिया कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी थी। इसके अलावा देखिए जिस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है वो दिखाई देगा और यहाँ पर लाइट भी ब्लिंक करेगा। देखिए अभी 34 है, 33 है, 32 स्पीड थी इस बाइक वाले की। इसके अलावा अभी देखिएगा अगर गाड़ी नहीं आएगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, अभी इस बाइक की स्पीड भी थी 31। और इसके अलावा यहाँ पर ये ना सेंस करता रहता है और दिखाता रहता है कि स्पीड कितनी है। तो फिलहाल तो इसमें कैमरा लगा नहीं है, लेकिन गाइस बहुत सारी जगह कैमरे लगे होते हैं जहां पर होता क्या है कि भाई आपको पता ही नहीं चलता कि स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए थी, और होता क्या है वो हो जाता आपके साथ एक खेल, खेल ये होता है कि आपका कट जाता है चलान अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हैं। तो इसलिए जब भी आप रोड पे गाड़ियां चलाते हैं तो संभल कर चलाओ, और हमेशा इस तरीके से जो बोर्ड लगे होते हैं ना, ये तो फिलहाल डिजिटल बोर्ड है, तो आप जो है बोर्ड को चेक कर लिया करो कि भाई स्पीड लिमिट कितनी है रोड पे, ताकि आपका चलान ना हो, क्योंकि आजकल भैया स्पीड का चलान बहुत ज़्यादा होने लगा है, 2 से 5 हज़ार के बीच में ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने पे आपका चलान हो जाता है ना। तो ये ब्लॉग आपको, ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और इस ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना।